नमस्कार, आपका स्वागत है हिम टुडे यूट्यूब चैनल में। अगर आप नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो 4103 पदों पर भर्ती निकली है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में निकली है, ये बहुत सालों बाद निकली है। इसमें 5 जोन में वैकेंसीज निकली है, नॉर्थ, साउथ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट में, और बहुत सारी वैकेंसीज हैं और ग्रेजुएट कैंडिडेट भी इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में, जैसे कि एप्लीकेशन डेट, एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगी, ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म का कैसा रहेगा, और उसके साथ साथ जो एज का क्राइटेरिया और सिलेबस की जानकारी भी आपको मिलेगी। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन शुरू होगी वो 23 फरवरी से शुरू होगी और 25 मार्च तक चलेगी। उसके साथ साथ जो एडमिट कार्ड मिलेगा वो मिलेगा 15 दिन पहले एग्ज़ाम की डेट से पहले। जो एग्ज़ाम की डेट इन्होंने रख ली है मार्च, अप्रैल और मई, जो टेंटिव डेट है, टेंटिव जो डेट होती है वो फाइनल नहीं होती है, वो बेरी आगे पीछे हो जाती है, उसको प्रीपोन्ड या पोस्टपोन्ड कर देते हैं। तो वैकेंसीज की तरफ आपको ले चलते हैं। सबसे पहले नॉर्थ जोन में वैकेंसीज है जेई सिविल इंजीनियर, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, स्टेनो, एजी, असिस्टेंट ग्रेड 3 टाइपिस्ट है, असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल है, फिर अकाउंट है, फिर हिंदी है, फिर डिपो है। सबसे पहले आपको जानकारी दे देता हूँ कि जो हिमाचल के कैंडिडेट हैं वो अप्लाई करेंगे नॉर्थ जोन में ही, क्योंकि हम नॉर्थ जोन में आते हैं इंडिया के। तो टोटल जो वैकेंसीज निकली है नॉर्थ जोन में वो निकली है 1999। नॉर्थ जोन में बहुत सारी स्टेट आती है, जैसे कि जम्मू कश्मीर आ गया, हिमाचल आ गया, पंजाब वगैरह। तो साउथ जोन में जो वैकेंसी निकली है वो निकली है 540। इसके हम पूरी जानकारी आपको नहीं देंगे कि एक पोस्ट में क्या क्या वैकेंसीज निकली है। हम इसमें आपको बता देते हैं कि जो एज है मैक्सिमम जेई के लिए 28 है, स्टेनो के लिए 25 है, और असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए 28 है, टाइपिस्ट के लिए 25 है, और जो बाकी पोस्ट है उनके लिए 27 ईयर्स ओल्ड का होना चाहिए आपको। उससे ऊपर हो गए तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसके बाद ईस्ट जोन में वैकेंसी निकली है 538, बेस्ट में निकली है 735। उसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट है जिसमें कि आसाम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा वगैरह स्टेट आते हैं, उसमें निकली है 291। अब इसकी जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बता देते हैं आपको। जो जेई सिविल है उसमें डिप्लोमा डिग्री वाले चलेंगे, विद 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने। सिमिलरली जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए भी डिग्री डिप्लोमा विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। फिर स्टेनोटाइपिस्ट के लिए ग्रेजुएट चाहिए और ओ लेवल की क्वालिफिकेशन चाहिए डोएस सोसाइटी से, और उसके बाद एजी ग्रेड असिस्टेंट ग्रेड 2 हिंदी के लिए डिग्री होनी चाहिए आपकी हिंदी में, और आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, और 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। ट्रांसलेटर चाहिए इनको इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश, तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, और टाइपिस्ट हिंदी चाहिए इसके लिए। टाइपिस्ट में सिंपल ग्रेजुएट जो बीएससी, बीए, बीकॉम, किसी ने भी बीटेक की है, कुछ भी किया है, वो अप्लाई कर सकते हैं टाइपिस्ट हिंदी के लिए। उसके बाद एजी जनरल में भी सभी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन की है, विद कंप्यूटर का ज्ञान भी है उनको। उसके बाद जो टेक्निकल है उसमें फॉरेस्ट्री सॉरी एग्रीकल्चर में होनी चाहिए आपकी डिग्री। एग्रीकल्चर के साथ साथ अगर आपके पास बीएससी है बोटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री किसी में भी है तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। और जो जनरल डिपो है असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपो, उसमें ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद प्रोफिशिएंसी इन यूज़ ऑफ कंप्यूटर, इसमें सभी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हो। इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज निकली है इस पोस्ट के लिए। अब आपको थोड़ा सा ले चलते हैं कि जो कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा और क्या क्या कैसे प्रोसेस है सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के दो फेज है। फर्स्ट फेज में आपको एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, इंग्लिश रीजनिंग न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगा, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, 1 घंटे का समय मिलेगा आपको करने के लिए, और उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। 4 क्वेश्चन पे गलत क्वेश्चन पे एक सही आंसर कट जाएगा आपका, या आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसके लिए फेज 2। फिर उस स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद आपका फेज 2 आएगा, उसमें भी आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसका सिलेबस हम आपको नीचे बता देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे आपका सिलेबस आ रहा है और पूरी डिटेल भी आ रही है। इसके साथ साथ आप पूरी एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन होगा इसके रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। और हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।